आप लिख सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सही बोल रहा हूँ बेटे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ये देखो तो आप ध्यान से सुना, मैं एक डायग्राम बना, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू मूव फ्रॉम ए, यहां से स्टार्ट कर रहा है देखो, एंड इट रीचेस एट पॉइंट बी बाय फॉलोइंग दिस पाथ. द टोटल लेंथ ऑफ दिस पाथ इज 4 किलोमीटर. भैया समझ में आ रहा है सभी को? यस सर. 4 किलोमीटर. एंड दिस ये दिस डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 10 मिनट्स. कितने बेटे? 10 मिनट्स. यार 10 मिनट में 4 किलोमीटर चले, गाड़ी से चल रहा था भी नहीं आ रहा समझ में. एंड देन यहां पर आया वो सी पर, लेकिन रास्ता ऐसा था देखो, और ये डिस्टेंस हो गई आपकी 6 किलोमीटर. बोलो ना भाई. देखो 6 किलोमीटर हो गया यहाँ पे, और टाइम यहाँ पे लग रहा है 10 मिनट. सेम इंटरवल ऑफ टाइम है, डिस्टेंस क्या हो गई? आर इक्वल डिस्टेंस. नहीं आ रही दोस्तों? तो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. समझ आ रहा सभी को? एरो बनाया तो पहले वो इधर आया और इधर से फिर इधर आ गया. This is the initial point. Initial point. And this is the final point of the object. Final point. Sir, मैं थोड़ा वो. Yes sir. ये time interval same है, but distance कैसी बढ़े? R equal. तो this is called. Non-uniform. मैं थोड़ी बोल. Yes sir. अब आगे देख. अगर यदि मैं ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसके द्वारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छे से समझ चुके हो आप, मैंने कहा था कल की जो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ है उसको क्या बोलूंगी? लेंथ ऑफ द पाथ 4 किलोमीटर ये और 4 किलोमीटर ये, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? लेंथ ऑफ द पाथ रास्ते की लंबाई टोटल 10 किलोमीटर हो गया. भैया नहीं इसमें कुछ समझ में आया? यस सर. वेरी गुड. अच्छा ये भी 10, ये भी 10 बन जाएगा, तो यहाँ इसको चेंज कर दो, 7 किलोमीटर कर दो. तो डिस्टेंस कितनी होगी बताओ आप? डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ पाथ. डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बेटे? लेंथ ऑफ. थोड़ी थोड़ी आ रही होगी भाई, थोड़ा सा ही आ रहा क्या? अच्छा लेंथ ऑफ पाथ बताओ कहां से कहां का लेंथ है? ए से बी. तो यहां से लिखा ए से बी और प्लस बी से सी किलोमीटर में. कोई प्रॉब्लम है तो बता दो भाई. एक काम करो इसको मत लिखो अभी. अब डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? डिस्टेंस इक्वल टू ये कितना है बताओ? 4 किलोमीटर. और प्लस कितना इसकी वैल्यू? 7 किलोमीटर 4 किलोमीटर इक्वल टू कितना बेटे? 11. वेरी वेरी गुड. लेकिन यार बताओ अब ये डिस्टेंस 11 किलोमीटर आ गई, लेकिन जब वो डिस्टेंस कवर कर, ये डिस्टेंस आ गई लेकिन जब वो डिस्टेंस कवर कर रहा था ना बेटा, तो इसकी जो डायरेक्शन थी वो चेंज हुई. यस सर. यार यहां से चलना स्टार्ट कर दिया था तो उसका मुंह इधर था, फेस इधर था, तो डायरेक्शन इधर थी, और जब वो यहां आ गया तो डायरेक्शन किधर हो गई? नहीं बेटे नीचे नहीं, नीचे नहीं, यहाँ यहाँ. तो डायरेक्शन कभी इधर इधर, जब वो यहाँ आ गया तो उसका फेस किधर हो जाएगा? नीचे. डायरेक्शन चेंज हो गया. अच्छा इधर आ गया तो अरे नीचे नहीं आ रहा है. और माना ये देखो, यस हाँ इंक्लाइन, ठीक है ये देखो डिसेंडिंग असेंडिंग पार्ट पर, ये असेंडिंग पार्ट पर मूव कर रहा है वो. असेंडिंग मतलब चढ़ाव, तो यहाँ पे चढ़ रहा है वो. डायरेक्शन किधर है? तो आप मैं आपसे पूछूं कि भैया वो डिस्टेंस कवर की तो उसकी फिक्स डायरेक्शन क्या है, तो आप बता पाओगे क्या? आप ही बोलोगे ना सर तो हर बार तो चेंज हो रहा है, क्या बता है? तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि वो फिक्स डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, इसीलिए हम उसको बोल देते हैं इसकी अलग क्वांटिटी है,
मतलब फिक्स डायरेक्शन स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन फिक्स ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होती उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं भैया। तो समझ में आ रहा है, जब डिस्टेंस कवर की जाती है तो डायरेक्शन हमेशा चेंज होती है और इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसको स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस का लिख चुके स्केलर क्वांटिटी। अब देखो यहाँ पर अगर मैं उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ढूंढूं तो आप बोलोगे सर इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। तो मैंने कहा था डेफिनेशन याद रखना भाई, क्योंकि न्यूमेरिकल में जब अपन सम सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये कॉन्सेप्ट काम में आते हैं। ठीक है, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस सीधी होगी कि टेढ़ी मेढ़ी? सीधी होगी। और मिनिमम डिस्टेंस को क्या कहते हो आप? डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, तो यहां पर लिख देता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट थोड़ी थोड़ी आ रही है ना बेटी, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या लिखी थी मैंने बताओ? मिनिमम इनिशियल पॉइंट एंड बोलो भैया फाइनल पॉइंट। ठीक है बेटा, इसी को क्या कहते हो बताओ आप? डिस्प्लेसमेंट। तो यार एक बात बताओ, ये रास्ते की लंबाई तो टोटल आ गई 11 किलोमीटर, लेकिन अगर मैं सीधे यहाँ से यहाँ तक अगर चेक करूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से यहाँ तक ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर होगा या 4 ही किलोमीटर, चलो 5 किलोमीटर मान लो सीधा। तो ये जो सीधा रास्ता है मिनिमम डिस्टेंस है, इसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया भैया, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 5 किलोमीटर। कोई डाउट हो तो बता दीजिए। अच्छे से बता चुका हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर क्यों है? क्योंकि इसमें एक फिक्स डायरेक्शन है। ये देखो अगर वो सीधा है डिस्प्लेसमेंट तो उसमें डायरेक्शन क्या है बेटे? बिल्कुल फिक्स, मतलब यहाँ रहेगा तो भी डायरेक्शन इधर ही है, यहाँ आ जाएगा वो यहाँ आ जाएगा तो भी वो डायरेक्शन उधर ही। तो डिस्प्लेसमेंट जो रास्ता होता है चूंकि वो सीधा होता है और उसमें डायरेक्शन एक फिक्स होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कल कल क्या क्या बोला था अपने? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वो जिसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। अब आप बताना मेरे को, ये इतना कॉन्सेप्ट समझ लिया ना भाई, तो जो कॉम्पिटिटिव लेवल की आपके 10th क्लास में कोई कॉम्पिटिटिव होती है तो उसमें ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं, इसी में से तो क्वेश्चन पूछे आते हैं। मैं आपसे पूछता, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करती है, ये देखो क्वेश्चन एक से बनने वाले सारे। अगर कोई ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन द सर्कुलर पाथ, एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन द सर्कुलर, ये देखो आप भाई ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ये देखो कहां से स्टार्ट किया उसने मूव करना, यहां से एक राउंड पूरा लगा लिया उसने यहां से लेकिन यहां तक एक राउंड पूरा लगा। अरे नहीं यार, ओके। और माना रेडियस है 7 सेंटीमीटर और एक राउंड पूरा लगा लिया उसने। अब आपसे पूछ रहा हूं मैं, एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स ऑन द सर्कुलर पाथ, ठीक है, एंड वन रिवॉल्यूशन इज कंप्लीटेड, वन रिवॉल्यूशन इज पूरा कंप्लीट, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ गिवन सर्कुलर पाथ इज 7 सेंटीमीटर। ये सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है? आपको मेन मेन चीजें ध्यान रखना, मेन मेन चीजों में कौन सी? ये चीज है, रेडियस कितनी, चक्कर कितने लगाए, एक पूरा, कितना से भी आगे नहीं गया, बस वही जहां से चला वहीं का रुक गया, कितना से भी आगे कदम भी आगे नहीं बढ़ाया उसने सर्कुलर पाथ में। तो भी एक वन रिवॉल्यूशन इज कंप्लीटेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द सर्कुलर पाथ हैविंग द रेडियस कितनी 7 सेंटीमीटर। बड़े समझ में आप सुना, द पॉइंट यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड तैयार होना। देखो भाई आप बताओ डिस्टेंस कितनी होगी, बताओ
डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, लेंथ ऑफ पाथ, याद करो ना भाई ये क्या हो गया, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की लंबाई, नहीं आ रहा है, आ रहा है, लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की लंबाई कहां से कहां तक बटी, यहां से लेके यहां तक, और इसको पूरे को कहते हैं, ओह इसको पूरे को क्या कहते हो, ये पूरे सर्कल की रास्ते की लंबाई को क्या कहते हो, सर्कमफेरेंस, यस यार ये पूरी रास्ते की लंबाई को सर्कमफेरेंस कह रहे हैं, यही समझ में आपको आ रहा बेटे, यस सर, डिस्टेंस निकल जाएगी आप बताओ, अच्छा ये देखो भाई ये 22 इंटू 2 मतलब कितना 40, ये देखो पूरे रास्ते की लंबाई 44 सेंटीमीटर आई, और रास्ते की लंबाई को लेंथ ऑफ द पाथ को क्या कहते हो, डिस्टेंस के, लेकिन अगर मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है वो समझ के बोलो भाई, नहीं पहले सोचो समझो फिर बोलो, फिर अपन दौड़ेंगे फिर तो ना, अच्छा कोई बच्चा आपने देखा होगा आपकी क्लास में बहुत जल्दी जल्दी सम कर लेता है, जल्दी जल्दी सम कर लेता है, फटाफट फटाफट सॉल्व करके दिखा देता है, ठीक समझ में आ रहा है, तो अंदर मशीन लगी ना भाई, कंप्यूटर लगा हुआ है, इधर लगा उसके कंप्यूटर, कुछ ही नहीं लगा मेरे भैया, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्लस माइनस किधर होता है, ब्रैकेट किधर लगाना है, ब्रैकेट का बड़ापन करना है, साइन कब चेंज करनी है, ये सारी चीज उसने क्या कर ली, दिमाग में माइंड में सेट कर ली, और इसको कोई दिक्कत नहीं आती, वो फटाफट फटाफट उसको पता है कि अब ये स्टेप कैसी होगी, अब इस स्टेप में क्या लगाना है, फिर क्या लगाना है, फिर एलसीएम कब लेना है, फिर मल्टीप्लाई कब करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब करना है, ये सारी चीज उसके माइंड में थी, तो तभी तो आंसर आ रहा है उसका, न्यूमेरिकल में क्या, फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर रहा है आपको, न्यूमेरिकल समझते हो, न्यूमेरिकल मतलब कोई फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट मैथमेटिकल सम सॉल्व करना, ठीक है, फॉर्मूला बनाना, मैथमेटिकल सम सॉल्व करना, उसको न्यूमेरिकल कहते हैं, फिजिक्स का डेरिवेशन, तो भैया आप डेरिवेशन करना है, न्यूमेरिकल करना है, तो न्यूमेरिकल जब कर सकते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो, तो अपन वही तो कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो ये सारे आंसर अपन ऑटोमेटिक दे रहे हैं, और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो आंसर दे पाते क्या, इसलिए इनकी मेहनत, इसके लिए इनके ऊपर बहुत अच्छे से मेहनत करिएगा आपको भैया, ये छोटे मोटे न्यूमेरिकल नहीं, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होंगे, मतलब पढ़ो और दिमाग में ऐसा समझ में आ जाना चाहिए कि आप करना क्या, आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसको हल्के से करना है, तो फिर अपन जंग जीत जाए, नहीं आ रही ना सब, थ्योरी फॉर्मूले वो चीज समझ, अच्छा देखो इधर ध्यान से, यहाँ पर 44 सेंटीमीटर तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बताओ, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, आप सुन लो ध्यान से, इसकी अगर थ्योरी लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे, एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स अराउंड सॉरी ऑन द सर्कुलर पाथ, ठीक है, ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन, कितने रिवॉल्यूशन का मतलब, वन रिवॉल्यूशन, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस एंड, कितना समझ आ रहा है, यस सर, आर यू श्योर, यस सर, डन, यस सर, ठीक है भैया, अगर वो यहां से लेके यहां तक आता बताओ आप, सोच समझ के बोलो भाई, ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहां पे, इफ एन ऑब्जेक्ट, इफ एन मूव्स ऑन, कहां पर बेटे, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, बोलो जल्दी से, 7 सेंटीमीटर रेडियस, 7 सेंटीमीटर मुश्किल है ना भैया, वेरी एंड इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन, देन फाइंड करो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बहुत मुश्किल था भाई, बहुत ज्यादा मुश्किल, नो मुश्किल तो कोई यार काम कर, आप दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर, तैयार, अच्छा यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बताओ जरा, 5 ये हो गया 5,
ये वाला, तो यार मैंने तो मिक्स कर दिया। इसका क्वेश्चन कौन सा बताओ आप, ये क्वेश्चन उसका आंसर यहाँ से चालू हो गया और यहाँ पे इसको इरेज कर देना यहाँ से लेके वहां तक, कहाँ पर आंसर आएगा बताओ, ये पूरा नीचे। ये पूरा इसके कहाँ जाएगा, नीचे। तैयार हो? यस सर। कब हो गए? यस सर। मुश्किल था? नो सर। एक क्वेश्चन और बोल, ध्यान से सुनना और समझना, और उसके बाद में फिर और भी क्वेश्चन के बारे में अपन बात करेंगे, भैया ना यार किताब को पढ़ने की जरूरत है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं अपन। इफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स ऑन, बोलो, सर्कुलर पाथ एंड इट कंप्लीट्स हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन, द रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ सर्क्यूलर पाथ इज, बोलो भैया, 7 सेंटीमीटर मालूम ना भैया, 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा थोड़ा तो आ गया होगा ना भाई? यस सर। थोड़ा ही आएगा? सर आएगा। यस यार, देखो ना, चलो ठीक है, मैनेज कर लेंगे थोड़ा टाइम मेरा। तो ये 7 सेंटीमीटर होगी ना रेडियस भाई, यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, और आधा सर्कल कहाँ पे कंप्लीट, सेम ही मतलब आधा, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया उसने और यहाँ पे आके रुक गया। बोलो बेटे, ये इनिशियल पॉइंट है और ये कौन सा उसका इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, आधा रिवॉल्यूशन था। मुश्किल था? डिस्टेंस कितनी होगी, नहीं चेक कर लीजिए ना भाई, तो देखो डिस्टेंस कितनी होगी, पूरी सर्कमफेरेंस का आधा यहाँ से लेके यहाँ तक के रास्ते की लंबाई होगी, तो सर्कमफेरेंस पूरा होगा, और सर्कमफेरेंस पूरा कितना होगा, 2πr, बोलिएगा सर्कमफेरेंस कितना, 2πr, और हमको क्या करना है उसका आधा की पूरा, ये देखो आधा, क्योंकि यहाँ से चल के यहाँ तक आ गया, तो सर्कमफेरेंस का क्या कर दे, आधा पाई आ रही, तो सर्कमफेरेंस बाय 2, सर्कमफेरेंस बाय, बहुत मुश्किल था ना यार, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला बोलो जल्दी से, कौन बोलेगा, 2πr, ये देखो आप, और ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल बचा, आप देखो, आप देखो भाई, ये पाई आर बचा, आप पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू मत रखो, पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू रखो, तुम लोग भारी हो यार, पाई की वैल्यू बोलो कितनी, 22/7, और आर की वैल्यू कितनी, 7/7, अब बचा 22, मतलब 44 का कितना आ गया, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। अब मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूंगा तो कौन मेरी मदद करेगा बताएं आप, सिर्फ 4-5 बच्चे मदद करेंगे भाई यार, कोई यार कितना बुरा समय आ गया भाई, 5-2-4 लोग मदद करेंगे मेरी, मैंने बोला है आई नीड हेल्प यू, बस 4-5, बाकी लोग नहीं करोगे, चलो खुद सेल्फ खड़े जाओ फटाफट बैठे, आप खड़े होंगे, कैसे निकालेंगे आप, या मैं कैसे निकालूं, आप मेरी मदद करो, डिस्प्लेसमेंट निकालना है मेरे को,
आकर के ट्रेवल करके आ चुकी है, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या बोला, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो बताओ मेरे को दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, बताओ जोर से बोलो। मैंने कल क्या बोला था, डर के काम नहीं चलेगा। मैंने उधर बताओ यार, अपन जो ना जेल में थी कल तक, कुछ उठिया आए जिसने ये चीज समझी है उसको तकलीफ नहीं है। अब हम और नया कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम एक बार फिर से समझते हैं और एक चीज और समझते हैं, डिस्टेंस डायरेक्शन। अब बताओ मेरे को, आप यहाँ बैठे हो तो नॉर्थ किधर है, एक्चुअल नॉर्थ किधर है? बस मेरे घर का बैक साइड जो है वो पूरब में, मेरा घर का फ्रंट जो है कहाँ है, पश्चिम में, नहीं नॉर्थ है, मतलब जो बैक साइड है मेरे घर का, ये घर का फेस है, तो ये ईस्ट में जाता है बैक साइड, और जो गेट ओपन होता है मेन गेट है वो कहाँ से, वेस्ट में है, पश्चिम में है, और जो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड घर का है वो किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, और इधर वाला जो सेक्शन है वो साउथ डायरेक्शन। यही से अब स्टडी में इसका क्या इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस क्या है इसका, डायरेक्शन का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ जाती है, अब मेरी बात समझ रहा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आज आप मेरे सामने इधर फेस करके बैठे हो, नहीं आ रहा है, ठीक है, इधर फेस करके आपकी कॉपी का जो आपका फेस इस साइड है, लेकिन कभी दूसरी क्लास में बैठ गए जिधर बोर्ड इधर है तो उसका फेस किधर हो जाए, और आपको जहां पर स्टडी करना है, जहां पर आप स्टडी करोगे वहां पर डायरेक्शन को सही मानना पड़ेगा। जब बड़ी क्लास में जाओगे ना, तो जब आप बैठोगे स्टडी करने के लिए, तो आपको जब कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तो अगर आपसे बोला कि नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करो कॉपी करो, नॉर्थ डायरेक्शन में ही करना पड़ेगा। अभी भी नहीं समझ में, कुछ बड़े प्रैक्टिकल करोगे तब बड़ी क्लास, लेकिन अगर हम सिर्फ न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो सिर्फ हमारे बोर्ड से हमको मतलब और हमारी कॉपी से मतलब, बस उसमें डायरेक्शन सही बनना चाहिए, बस रियल भले नहीं बने, इधर भले रियल में कौन हो ईस्ट हो, इधर भले ईस्ट हो और हमने कॉपी पे बनाया ईस्ट कहीं और, ठीक है, तो वो चल जाएगा, लेकिन कॉपी में भी बनाने का क्या होता है तरीका होता है। अरे हाँ ना, बोलो ना, yes, sir। अगर नॉर्थ इधर है ईस्ट इधर है तो वेस्ट किधर होगा, समझ आ रहा है? देखो मैं बताऊं, अगर ईस्ट अगर इधर है तो वेस्ट किधर होगा, इधर, समझ आ रहा है? yes, पक्का समझ में? yes, sir। अब देखो अगर ईस्ट इधर है, सॉरी ईस्ट अगर इधर है, सॉरी इधर मान लो ईस्ट इधर है तो वेस्ट किधर होगा, वेस्ट किधर, अब ईस्ट इधर हो गया मानो, समझना भाई, क्योंकि न्यूमेरिकल में फिर अड़चन आ जाएगी। अगर माना नॉर्थ ईस्ट इधर है तो वेस्ट इधर होगा, पीछे उल्टे हाथ तरफ क्या होता है नॉर्थ, और सीधे हाथ तरफ क्या होता है साउथ। ये नॉर्थ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा साउथ। अगर ये ईस्ट है तो ये कौन, फिर नॉर्थ किधर होगा, इधर, और साउथ किधर होगा। अभी आप ढूंढना मत मेरे भाई, एक बार फिर से बोल के दिखा देता हूँ मैं आपको। अब ये तो होगी डायरेक्शन की बात, लेकिन अगर कॉपी पे जब स्टडी करना और कॉपी पे डायरेक्शन बनाना है, बड़े बड़े डायग्राम बनाना है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना और कॉपी पे डायग्राम शो करना है, आप कहीं भी बैठे हो कॉपी का जो ऊपर का साइड है वो नॉर्थ होगा, नीचे की साइड कौन सी होगी, सीधे हाथ की तरफ कौन ईस्ट, और इधर की साइड कौन वेस्ट। किसको समझ में आ गया, हाथ चलो ना भाई, कॉपी पे नॉर्थ किधर होता है और साउथ किधर होता है, और राइट हैंड साइड क्या, लेफ्ट हैंड साइड, कहीं भी बैठ जाए, बैठे हैं कैसे भी डायरेक्शन में बैठ जाए, ये डायरेक्ट। अच्छा बोर्ड मेरा तो ये है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो आपको मैंने आपकी सलाह तो दे दी कि कॉपी में किधर किधर बनाना है, अब मेरा बोर्ड है मेरे को इधर डायरेक्शन बनाना है, किधर बनाना पड़ेगा,
नॉर्थ को किधर बनाऊं? ऊपर। वेरी वेरी गुड। इधर क्या बनाऊं? साउथ। ये बनाऊं मैं ईस्ट। अब कोई दिक्कत, और जब कोई न्यूमेरिकल करोगे तो ये माना जाएगा, वो कहीं से भी चलना चालू करे कोई ऑब्जेक्ट, ये माना जाएगा। जब ड्रॉप पेपर बनाओगे तो ये माना जाएगा। जैसे मैंने घर से ट्रैवलिंग करना स्टार्ट किया तो मेरा घर में ओरिजिन का मालूम है, इस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट, इनिशियल पॉइंट मेरा यही है। अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूं तो दिस इज माय इनिशियल पॉइंट। कहीं से भी चलना चालू करो और ग्राफ पेपर बनाओ आपकी मोशन का, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कौन सा लेना पड़ेगा? अरे आप घर से चलो चाहे राजवाड़े से चलो कहीं से चलो, जीरो ही लेना पड़ेगा। नहीं आई बस, थैंक यू। एंड इट कवर्स 10 किलोमीटर डिस्टेंस इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो किधर आया वो? किधर आया वो? किधर आएगा? यहाँ तक आगे 3 किलोमीटर। अब मैं बोलूँ उसके बाद नॉर्थ में गया 2 किलोमीटर, तो किधर जाएगा वो? यहाँ से ऊपर कुछ समझ में आएगी। फिर मैं बोलूँ यहाँ तक आने के बाद फिर वापस ईस्ट में गया, ईस्ट में फिर बेटा ईस्ट यही तक है कि बहुत दूर तक है? ईस्ट जब भी बोले तो इधर ही ले जाओ। यहाँ आ गया ईस्ट, फिर बोलूँ फिर नॉर्थ में गया किधर? यहाँ तक आ गया। फिर मैं बोलूं कि भाई यार 2 किलोमीटर जो है फिर साउथ में चला गया, नीचे नीचे वापस आ गया, फिर वापस आ गया। यार भाई ये इसको मत भूलना भाई, यार ये चीज समझ में आई ना? तो ये दुनिया का कोई न्यूमेरिकल कोई भी किताब, कोई न्यूमेरिकल जो सारी चीजें बता रहा हूँ। अपन बोलते हैं ना कि यार उसने कॉम्पिटेटिव एग्जाम फेस कर ली तो उसने पास कर ली, तो उसने पास कर ली, तो उसने पास कर ली, हमने पास नहीं करी तो क्यों नहीं करी भाई? क्यों नहीं करी? ये सारी चीजें उसके पास थी तो हो गया, ये सारी चीजें हमारे पास नहीं थी तो नहीं हो पाए। चलो एक बार देखो, अगर मैं बोलूं यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है और वो साउथ में जा रहा है, किधर जाएगा वो? वो जहां तक देखो तो स्केल बना लेंगे ना भाई, 1 किलोमीटर फिर 2 किलोमीटर फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसा, तो वो नीचे आ गया। फिर मैंने बोला यहाँ से आने के बाद नॉर्थ साउथ में जाने के बाद वो ईस्ट में चला गया, किधर? फिर वो साउथ में वापस आया, नीचे। फिर मैं बोलूंगा कि वेस्ट में गया, इधर ही। वो जरूरी नहीं कि इसके क्रॉस करके ही जाए, वेस्ट इधर। नहीं आ रही समझ? डायरेक्शन तो यही, डायरेक्शन तो भी देना पड़ेगी वो, चाहे वो इसको क्रॉस कर पाए या नहीं कर पाए, इधर ही जाना पड़ेगा। फिर नॉर्थ में तो ऊपर, साउथ में तो नीचे। कुछ समझ में जिनको नहीं आई वो जल्दी से हाथ ऊंचा कर दो। राइट एंगल जिसमें कितने डिग्री का एंगल बने? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। राइट ट्राइंगल, हाँ वही राइट ट्राइंगल या राइट एंगल चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो आप, अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, समझ आ रहा है दोस्तों? यस सर। एक ट्रायंगल बनाया, नाम दिया भैया का ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू कितने डिग्री का? 90 डिग्री। वेरी वेरी गुड। नहीं आई? 90 के एंगल के सामने वाली जो साइड होगी है बड़ी वाली, उसको एच कहते हैं। यस सर। हाइपोटेनियस, जो खड़ी होती है नीचे वाली। अब सुनो, ये थ्योरम क्यों यूज कर? अगर कोई कंडीशन ऐसी बन जाए कि भाई किसी मोशन में, किसी बॉडी के मूवमेंट में कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए और आपको कोई तीनों डिस्टेंस में से कोई भी एक डिस्टेंस नहीं दी है, बाकी की दो क्या कर रखी है? दे रखी है। तो आप दो की मदद से थर्ड साइड को निकालने के लिए वैज्ञानिक पाइथागोरियन, उसने एक थ्योरम दे दी कि भाई हम तुमको टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं थ्योरम बोल के जा रहा हूं, आप इस फॉर्मूले की मदद से दो साइड दे रखी है तो थर्ड साइड आप लोग निकाल सकते हैं। तो उसने फॉर्मूला दिया, तो वो फॉर्मूला लगभग लगभग सभी को मालूम नहीं है। तो देखो इधर ध्यान से, आप मैं मानता हूं ये है बेटे, देख सुन, मैं मानता हूं ये है आपके पास 4 सेंटीमीटर बेस, थोड़ी देर मान लेते,
और परपेंडिकुलर है आपके पास कितना, अरे 3 सेंटीमीटर मान लो आप नियाई, तो हाइपोटेनियस क्वेश्चन मार्क निकालना है। थोड़ी थोड़ी आई, पूरी आ गई? तो यहाँ पर अगर लिखे राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एबी साइड की जो वैल्यू है जिसको 3 सेंटीमीटर कहते हैं और बीसी साइड की वैल्यू है जिसको 4 सेंटीमीटर कहते हैं और हाइपोटेनियस एसी की जो वैल्यू है जिसको निकालना है। समझ आ गया? अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, देखो देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस या गोरियन भी बोल सकते हैं, कई किताब में गोरियन भी लिखा हुआ है, ठीक है, पाइथागोरियन या पाइथागोरस भी लिखा हुआ है कई सारी किताब में पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या होती है ध्यान से सुनना, कोई भी एक बच्चा खड़ा हो जाए, बेटे आप खड़े हो नहीं आप क्या खड़े हो, बोलो बी स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक दोस्त, एच की वैल्यू कितनी है, एसी एसी का स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी बेटे, पी मतलब एबी, यहाँ के एबी का स्क्वायर, बहुत मुश्किल है बन रहे हैं, पार उठाना पड़ा है बड़ा बड़ा वीडियो का है भाई, सिर्फ सॉल्व करने की नॉलेज बता दे, बी मतलब कितना, बीसी का स्क्वायर, ये देखो एसी स्क्वायर, एबी की वैल्यू बोलो, एन प्लस बीसी मतलब एसी या 9 25, यहाँ पर हो गया अंडर रूट में 25, नहीं होगा तो आपने भी लगा के रखा को ये नहीं पता होता कि स्क्वायर से रूट कैंसिल कैसे होते, तो अपन वो भी जानकारी ले लिया ना, कोई दिक्कत तो ना है, इसको क्या लिख सकते हो पता है 5 का स्क्वायर, हाँ बोलो यस सर, जब भी इधर स्क्वायर हटाओगे तो इधर से रूट लगा, और रूट हटाओगे तो 1/2 की पावर, रूट मतलब 1/2 की पावर मतलब या तो इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा करके ये 2 है तो 1/2 हो जाएगा, या 3 है तो इधर जाके 1/3 हो जाएगा, 4 है तो 1/4 हो जाएगा, नियर ही समझ रहे हैं, या 5 तो 1/5 हो जाएगा, या 10 की पावर 1/10 हो जाएगा, इतना दिमाग नहीं लगाना है, रूट में यहाँ 2 लिखा है, तो अगर यहाँ 2 लिखा है तो 1/2 की पावर, ठीक है, जैसे आप 4 है तो 4 के ऊपर 1/2 की पावर, ये 2 लिखा नहीं रहता, अगर 2 लिखा नहीं मतलब क्या हुआ, 2 है वहां और 3 लिखा होता तो 3 लिख के देगा, 2 के अलावा कुछ भी वो लिख के देगा, लेकिन 2 लिख के वो आपको क्या मानना, रूट के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो रूट को हटाएंगे जब भी, तो कितनी पावर लगाएंगे 1/2, नियारी समझ में, यहाँ से या फिर इधर का स्क्वायर हटा के उधर लगा दो 1/2 डायरेक्ट लगा दो, हाँ तो बोलो यस सर, तो कोई बात नहीं है रूट लगा दो, मैं अब ये रूट हट गया तो कितना हो गया बताओ, रूट हट गया तो क्या हो गया 1/2, अब ये 1/2 से 2 क्या हो गया, आंसर कितना है 5, मुश्किल है बहुत ज्यादा मुश्किल है, नो सर। अब मैं एक न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ, किसी एक बच्चे को कॉल करूंगा तो डायग्राम बना के देगा, चलो पहले आप देख लो, पहले न्यूमेरिकल देखो, ए पर्सन मूव्स, ए पर्सन मूव्स, ठीक है, या मूव्स फ्रॉम ओरिजिन, मूव्स फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ओरिजिन, है ना, ओ बेटा मत करो ना, मूव्स फ्रॉम ओरिजिन, अपन बाद में बात करेंगे ना, टेंशन नहीं करते, अभी बैठ जाएंगे, एपर्चर मूव्स फ्रॉम ओरिजिन एंड इट गोज या 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्स इन ईज, कितना, या चलो यही बार कर लेते हैं, जो ध्यान से, चलो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्स
ठीक समझ में आ रहा है? 10 किलोमीटर डिस्टेंस इज कवर्ड इन ईस्ट, आप तो बोलो यस सर। नाउ अब 4 किलोमीटर डिस्टेंस इन नॉर्थ, 4 किलोमीटर डिस्टेंस इन नॉर्थ, देन कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस, देन कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, हाँ तो बोलो यस सर। अब कोई भी एक बच्चा इस साइड से पीछे, लास्ट वाले इस पर आप खड़े हुए, कोई भी एक पीछे, आप आए डायग्राम बना के दे बेटे, उसको पॉज कर दिया करो, अभी नहीं रिजल्ट सॉल्व कर देना। तो सबसे पहले अपन गिवन वैल्यू क्या लिखते हैं, गिवन मतलब जो न्यूमेरिकल में दी है वो वाली वैल्यू, फिर अपन डायग्राम बनाते हैं, फिर फॉर्मूला लगाते हैं और फिर आंसर नहीं निकालते हैं, निकालते देखते हैं अपन। तो देखे बेटे नॉर्थ यहाँ से इधर बना है, लेकिन पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, जब भी बनाओ पूरा पूरा बनाना, जैसे इधर बनाया ना तो कहीं नहीं बनाना, पूरा बना, ठीक है? तो शुरू, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, गिवन वैल्यू लिख देंगे, गिवन दैट डाउट्स आउट, नो डाउट, गिवन दैट बोलो distance in east equal to कितना बेटे 10 किलोमीटर, सही बोल रहा हूँ yes sir, and in north कितना बेटे 4 किलोमीटर। अब हमको क्या निकालना है, distance बराबर question mark comma displacement equal to question mark, बहुत मुश्किल आ रहा है। no, sir. अब ये बन गया आपके पास डायग्राम डायरेक्शन का, ये होता है ईस्ट, इधर होता है नॉर्थ, साउथ, और ये ओरिजिन पॉइंट जिसको वो कहते हैं। अब उसने कहां से चलना स्टार्ट किया, बेटे कहां से चलना स्टार्ट किया, ईस्ट में कहां गया, इधर गया, तो इसमें इधर गया था, कितने किलोमीटर डिस्टेंस गया, यहाँ 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक। अब ऊपर गया नॉर्थ 4 किलोमीटर, तो यहाँ से आने का नॉर्थ नीचे आएगा, सबको समझ में आ गया, तो 4 किलोमीटर 10 से ज्यादा होता है कि कम होता है, या आपको थोड़ा सा आधे से भी कम बनाना पड़ेगा बेटे, नहीं है ऐसा तो नहीं होता है कि भैया आपने ये 4 किलोमीटर लेना है तो इससे ज्यादा बड़ा बना दिया, जो डायग्राम देख के ऐसे करना, अभी भैया 10 किलोमीटर भैया 4 किलोमीटर तो छोटा ही होगा कि नहीं होगा, ये प्लस ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा, ये वाला, तो इस न्यूमेरिकल को घर से करके कौन लाएगा, जल्दी से हाथ ऊंचा कर दो, कर दिया।